हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल। आज हम लोग बात करने वाले नॉटी अमेरिका। नहीं, जो आप लोग सोच रहे हैं, आज हम लोग वो बात नहीं करने वाले। आज हम लोग बात करने वाले नहीं, आज हम लोग किसी बाबा की बात नहीं करने वाले, उल्लू की एक वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है जूली। तो यार शुरू करते हैं हमारा आज की वीडियो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से इतना ही कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही करें बेल आइकन को प्रेस और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वेलकम टू अखान एंटरटेनमेंट। आज हम लोग बात करेंगे जूली वेब सीरीज के बारे में, जिसमें हमें तकरीबन 4 एपिसोड देखने को मिलता है। हर एपिसोड लगभग 20 से 18 मिनट के, कुछ 14 मिनट के भी। इसमें हमें मेन लीड में नजर आते हैं अमन वर्मा, अजीत झा और नेहा भदौरिया। इसे डायरेक्ट किया अनिल शर्मा ने। कहानी शुरू होती है नेहा से, जो कि यहाँ पे रोल प्ले करी जूली का। वो एक हॉस्पिटल की नर्स है और वो जब भी हॉस्पिटल आती है तो वहां आने के बाद वो अपने बड़े कपड़े चेंज करती है, नर्स का ड्रेस पहनती है। जब भी वो ड्रेस पहनती है तो वहां पर एक वार्ड बॉय होता है जिसका नाम है महेंद्र, जिसका रोल प्ले किया अजीत झा ने। तो वो उसे हमेशा हॉल में से देखता है जब भी वो कपड़े चेंज करती। तो जब भी उसे देखता है, उसे देखने के बाद मेरे खून में सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं। वो किसी भी तरीके से जूली के साथ सेक्स करना चाहता है, लेकिन जूली ऐसी लड़की नहीं रहती। वो बहुत ही शरीफ लड़की होती है, एकदम सीधी साधी लड़की होती है। वो महेंद्र से बहुत ज्यादा चिढ़ती है। लेकिन उल्लू की हर वेब सीरीज की तरह इस वेब सीरीज में भी जूली की एक फ्रेंड है, जो कि बहुत बड़ी नल्ली फ्रेंड है। मैं नल्ली इस वजह से बोलूं क्योंकि उल्लू की जितनी भी वेब सीरीज है उसमें कोई ना कोई एक ऐसी फ्रेंड होती है जो उस हीरोइन को भड़काती है कि तेरी जवानी का क्या मतलब, जब तक उसका रस कोई पिएगा नहीं, जब तक तेरी गाड़ी का मतलब ही है, जिस गाड़ी को कोई चलाएगा नहीं, पाला जितनी भी फालतू के डायलॉग्स होंगे वो उस लड़की के पास, उस नल्ली फ्रेंड के पास होते। तो इस तरह तो उसी तरीके के डायलॉग इस नल्ली फ्रेंड के पास भी होते। वो इस तरीके के उसको मैनिपुलेट करती है, भड़काती है कि वो दूसरे दिन तैयार होकर एकदम अच्छे से आती है। वो महेंद्र जिसको अब तक पसंद नहीं करती तो अब उसको पसंद भी करने लगती है और फिर साथ में वो लोग डेटिंग करना शुरू होता है। डेटिंग करने के बाद वो दोनों के बीच में प्यार भी होता है, प्रपोजल भी हो जाता है। फिर वो वीडियो कॉलिंग करते हैं, क्या होता है जो महेंद्र होता है, महेंद्र के जो अंदर का जो वासना है कीड़ा रहता है वो जाग जाता है, वो बाहर निकल जाता है और वो चाहता है कि आज तो इसकी लेकर ही छोड़ूंगा। और वो हॉस्पिटल में उसके साथ शुरू हो जाता है। शुरू होने के बाद अचानक से डॉक्टर आया था। डॉक्टर आने के बाद बोलता है कि महेंद्र को मैं इसी वक्त सस्पेंड कर दूंगा, वो हॉस्पिटल में इस तरीके की चीजें कैसे कर सकता है। लेकिन जूली उसको बोलती है कि नहीं डॉक्टर साहब, ये मेरे वजह से कर रहा, तो मेरी सारी गलती मेरी है, तो इसको मत निकालिए। तो वो डॉक्टर इसकी बात सुनकर उसको नहीं निकालता। अब जूली उससे ब्रेकअप कर देती है। ब्रेकअप करने के बाद महेंद्र तेरे नाम का सलमान खान बन जाता है। वो एकदम ज्यादा परेशान हो जाता है, वो दारू पीने लगता है, वो जूली को बार बार कॉल करता है, जूली उसके कॉल रिसीव नहीं करती। फाइनली थक हार के महेंद्र ये डिसाइड करता है कि आज तो इसकी लेकर ही रहूंगा, तो करके रहूंगा। तो वो उसके घर पे पहुंच जाता, फुल नशे की हालत में पहुंचता। पहुंचने के बाद लड़की ये बोलती एक कदम भी आगे बढ़ाए तो मैं शांत जा दूंगी। लेकिन महेंद्र उसकी एक नहीं सुनता है और वही लेकिन उसके बाद वो लड़की उसे धक्का देती तो वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसकी आंख ऐसी हो जाती है, क्योंकि जो लड़की अब तक की सती सावित्री बनी थी वो अचानक से सनी लियोन बन गई है। और सनी लियोन बनने के बाद वही होता जो सनी लियोन की फिल्मों में होता है, बिल्कुल वही सब सीन होना शुरू होते हैं। और वो सब सीन जो आपने उल्लू की वेब सीरीज में कॉमन देखा होगा, तो वो सिर्फ सीन होता है। सीन होने के बाद यहाँ पे डायरेक्टर ने समझा के बंटी तो चूतिया है। यहाँ पे डायरेक्टर ने सीधा सीधा ये बता दिया कि वो लड़की असल में एक सीरियल किलर है, एक साइको किलर है और वो हर लड़कों को इसी तरीके की इस्तेमाल करती है। वो पहले देखती है कि लड़का उससे प्यार में किस हद तक पागल होगा, जब उस लड़की के अंदर का जो वैशी जानवर जब जाग जाएगा कि तब इसकी तरीके से पूरी तरीके से इसका अच्छी तरह से ले सके। अब आप लोग सोच रहे हो मैं इस तरीके की लैंग्वेज क्यों बोल रहा, क्योंकि ये जो उल्लू की वेबसाइट है तो वो लड़के के साथ संभोग करती है। संभोग करने के बाद उसको जान से मार देती है। ये पहला लड़का है जिसको उसने जान से मारी थी, उससे पहले भी उसने बहुत से लड़कों को जान से मारी थी। और मार के वो अपने ही घर के अंदर जो तहखाना है उसके अंदर का तहखाना नहीं, उसके घर के नीचे का जो तहखाना है उसमें डाल देती है। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को एक ही चीज बोलने का है, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे चनूने काट रहे हैं। तुम लोग जो स्टोरी बताते हो उस स्टोरी का कुछ सर पे होना चाहिए, क्योंकि जब वो लड़की साइको किलर बनी तो क्यों बनी, इसके पीछे की वजह क्या थी, क्या उसकी किसी ने किया था या क्या उसके साथ कुछ हुआ था जिस वजह से वो साइको किलर बनी, उसका कुछ भी तुम लोग ने यहाँ पे रीजन नहीं बता दिया। सिर्फ इतना है कि स्टार्टिंग में एक लड़की को तुमने सती सावती सीधी सादी बता दी और लास्ट में उसको सनी लियोनी बता दी। तो भाई यार इस वीडियो में इतना, मैं तो बोलूंगा इस तरह की वेब सीरीज से दूर रहो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपसे कल किसी ने